Hi everyone. Am I audible to you? आप मुझे clearly सुन पा रहे हैं? आप मुझे इसके बारे में comment section में बता सकते हैं वैसे. ओके, आई होप सब कुछ क्लियर है. आप सब क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं, कोई तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है एंड स्लाइड्स भी प्रॉपरली आप देख पा रहे हैं, राइट? यस. सो चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए. देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी का ऐप जो है, वहाँ पर अगर आप प्लस टैब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. प्लस टैब में आपको इस तरह का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, राइट? इस तरह का ऑप्शन जो है वो आपको किस लिए क्या बताएगा कि आप यूपीएससी सीएसई सेक्शन में सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं. आप यहाँ पर यूपीएससी सीएसई कैटेगरी में अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप बहुत सारे लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. इसके साथ साथ वहाँ टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं. वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लस यहाँ पे जो मॉडल है वो लेकर आए हैं. और यहाँ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं करवा रही हूँ. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक महीने के लिए, थ्री मंथ्स के लिए, सिक्स मंथ्स के लिए, ट्वेल्व मंथ्स के लिए. एंड यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप ये रेफरल कोड ARTI1702 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए. अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को कवर करना शुरू करते हैं. हम यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहे थे, राइट? परफॉर्मिंग आर्ट में हमने क्या क्या कवर किया? परफॉर्मिंग आर्ट में हमने पिछले दो सेशंस में हमने क्लासिकल डांस फॉर्म्स कवर किया है. और इसके साथ साथ हमने पपेट्री भी कवर किया है ना. पपेट्री और क्लासिकल डांस फॉर्म्स दोनों ही हम यहाँ कवर कर चुके हैं. आज हम विजुअल आर्ट फॉर्म की ओर चलेंगे और आज हम इंडियन पेंटिंग्स को स्टार्ट करेंगे. एक दो सेशन लगाकर इंडियन पेंटिंग्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इंडियन पेंटिंग्स की हम शुरुआत करते हैं. यहाँ देखिए, अगर हम इंडियन पेंटिंग्स की बात करें, आवाज़ क्लियर है? आई होप सो आवाज़ क्लियर होगी, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही. हम यहाँ पर इंडियन पेंटिंग्स की बात करेंगे, विजुअल आर्ट की बात करेंगे. आप रिफ्रेश कर सकते हैं या हेडफोन यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक आवाज़ क्लियर है, ठीक है? चलिए, तो इंडियन पेंटिंग्स जो हैं उसमें आप क्या देखोगे? इंडियन पेंटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम. हर एक पेंटिंग की अपनी कुछ खास बातें होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि एक पेंटिंग जो होती है उसके छः एलिमेंट्स होते हैं, छः ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि एक पेंटिंग के अंदर होने चाहिए. जैसे कि रूप भेद, प्रमाणनी, भाव लावण्य योजन, सदृश्यम, वर्ण का भिंगम, इति चित्रम षड. छः आप देख सकते हो, छः अंग होते हैं हर एक पेंटिंग के. हालांकि हम इसको डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा हमारी पेंटिंग्स के टाइप्स के ऊपर चलते हैं. पहले हम बात करने वाले हैं वॉल पेंटिंग्स के बारे में. वॉल पेंटिंग्स में आप देखोगे कि ये जो पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं ये आपको दीवारों पर देखने को मिलेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा सरफेस जो होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा जो सरफेस होता है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी. वो वॉल पेंटिंग्स में आती है. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की. प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मतलब कि एक ऐसा समय जब आम जो मनुष्य था वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता पाता था. मतलब मान लीजिए आम मनुष्य जो है वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय लैंग्वेज जैसी चीज़
या फिर स्क्रिप्ट जैसी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएं, तो लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका ढूंढा, जिसको हम पेंटिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सतपुरा रेंज है, भीमबेटका है, जिसमें लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लोगों के बारे में जानने के लिए। जैसे इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि ये हंटिंग कर रहे हैं, जानवर का शिकार कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देख सकते हो। आगे हम मुराल पेंटिंग से कहानी की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मुराल पेंटिंग, देखिए ये जो मुराल पेंटिंग होती है, इसकी कुछ खास बातें होती हैं। पहली बात तो ये बड़ी बड़ी दीवारों पर या बड़े बड़े सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, मुराल पेंटिंग्स जो हैं वो हर एक, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर थीम से जुड़ी हुई हो। मुराल पेंटिंग जो है उसमें आप हिंदुज़म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स भी देखोगे, बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई भी और जैनिज़्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स भी आप देखते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, ये जो पेंटिंग हैं मुराल पेंटिंग्स, इनके लिए जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर बेस तैयार नहीं किया जाता। मान लो आप इमेजिन करो, पेंटिंग करने से पहले अगर मुझे दीवार पे पेंटिंग करनी है तो पहले मैं दीवार के ऊपर एक बेस तैयार करूंगी, एक वाइट कलर का बेस तैयार करने की कोशिश में करूंगी। लेकिन यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इसमें जो कलर्स होते हैं वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये जो कलर्स हैं ये उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इसी की वजह से ये पेंटिंग्स के जो कलर्स होते हैं ये थोड़े से फीके होते हैं। ठीक है, थोड़े से हल्के कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स के बहुत से एग्जांपल्स हैं। मुराल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर अजंता केव्स है। अजंता केव्स में टोटल 29 केव्स हैं, और इन केव्स में आपको काफ़ी सारी मुराल पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुराल पेंटिंग्स जो फिलहाल आप सामने एक तरह की पेंटिंग जो यहाँ देख रहे हो, देखिए उत्तराखंड युवा, जो मतलब आप पूछ रहे हैं कि मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगी या नहीं, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी लास्ट में, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पर कमेंट सेक्शन में होते हैं और फिर वो मुझे आगे कवर नहीं करने देते हैं। ठीक है, और फिर मैं उनके आंसर्स देने में लग जाती हूँ, तो इसी वजह से प्लीज़ आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो बाद में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक मैं कमेंट सेक्शंस ऑफ ही रखती हूँ। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप लास्ट में पूछ सकते हैं, एंड अभी जो अगर मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका आंसर ज़रूर दें, वरना कमेंट सेक्शन पे आपको भी नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से अननेसेसरी लोग जो हैं वो यहाँ पर हमें लेक्चर डिलीवर करने ही नहीं देते। ठीक है, इस वजह से चलिए, यस चलिए, तो यहाँ पर मुराल पेंटिंग्स में हम अजंता केव्स का एग्जाम्पल लेंगे। अब अजंता केव्स की कुछ खास बातें हैं, जैसे आप है ना, हम कुछ इन पेंटिंग्स के एग्जाम्पल आज यहाँ पर देखने वाले हैं, कि आप देखोगे कि अजंता पेंटिंग्स जो है उसमें टेम्परा कलर्स, टेम्परा स्टाइल के कलर्स का यूज़ किया गया है। दूसरा, इसमें अगर इमोशंस, हर एक पेंटर जो है वो क्या करता है, हर एक पेंटर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो जनरली पेंटर्स जो हैं उन्होंने पेंटिंग्स में अपने आप को एक्सप्रेस जब करना चाहा तो उन्होंने मुद्राओं की हेल्प से किया, मतलब हैंड गेस्चर्स की हेल्प से पेंटर जो है वो पेंटिंग में कोई भी कैरेक्टर जो बना रहा है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों, देखो फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से भी क्या हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट अगर हम यहाँ पे इन फेशियल एक्सप्रेशंस की ओर ध्यान दें तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही सैटल हैं, बहुत ही शांत हैं,
यहाँ पे आप देखोगे हाफ क्लोज्ड ड्रॉपिंग आईज आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी आंखें हैं जैसे कि वो मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में खोए हुए हैं वो। तो जितनी भी आईज आपको अजंता केव्स की पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी वो ऐसी ही हैं, और वहाँ से किसी तरह का एक्सप्रेशन, कोई चीज़ आपको एक्सप्रेस होती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। इसी वजह से हैंड गेस्चर्स की हेल्प से यहाँ पर पेंटिंग्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, अजंता केव्स की पेंटिंग्स की एक खास बात यह है कि इन पेंटिंग्स में जो महिलाएं होती हैं उनका जो हेयर स्टाइल होता है वो हेयर स्टाइल यूनिक होता है हर एक का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, देखिए ये महाजनक जातक केव वन में ये पेंटिंग है, क्या आप इसमें नोट कर सकते हो? जितनी भी महिलाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग के अंदर, आप इसमें देखोगे कि हर एक का हेयर स्टाइल अलग है। आप ये चीज़ देख पा रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर? देखिए सबका हेयर स्टाइल जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा, हर एक का हेयर स्टाइल जो है वो आपको यूनिक देखने को मिलेगा। ये अजंता केव्स जो है इनकी खास बात होती है जो कि आप इसमें देख पाते हैं, ठीक है? ये महाजनक जातक जो है उसका एक एग्जाम्पल है। अजंता केव्स में आपको जो थीम है वो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना? जातक स्टोरीज जो है उसके इर्द गिर्द ही बहुत सी पेंटिंग्स जो है वो दर्शाई गई हैं। इसके साथ साथ जातक केव्स या अजंता केव्स जो है, अजंता केव्स में जो कलर यूज़ किया गया है वो कैसा है? कलर यहाँ पर नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं ना, वेजिटेबल्स के कलर्स हैं या फिर मिनरल डाइज जो होती हैं वो सब जो हैं वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। हाँ यस, बिल्कुल सही अली, यहाँ पे जो सर होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, और इसमें जो यहाँ पे जनरली अजंता केव्स में जो हेयर स्टाइल दिखाया गया है महिलाओं का वो सबका अलग अलग होता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लाइंग अप्सरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं जो कि अपने नाम से ही फेमस है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए फ्लाइंग अप्सरा, ये एक केव 17 में पेंटिंग है फ्लाइंग अप्सरा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और पेंटिंग्स भी हैं जैसे कि डाइंग प्रिंसेस, डाइंग प्रिंसेस भी एक एग्जांपल है। यहाँ पर केव 16 में आपको डाइंग प्रिंसेस जो है वो इस पेंटिंग का नाम है, ठीक है? इस तरह की पेंटिंग्स के कुछ नाम हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। इसके साथ कुछ और अजंता केव्स की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें फ्लाइंग अप्सरा हमने एग्जांपल देखा, डाइंग प्रिंसेस हमने नाम देखा। एक खास बात अजंता केव्स की पेंटिंग्स में और भी होती है कि ये ब्लू कलर का यूज़ नहीं करते। ये जनरली क्या नहीं करते हैं? ब्लू कलर का यूज़ ये लोग नहीं करेंगे। और इनकी अगर पेंटिंग्स की आउटलाइनिंग है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर इस ये पेंटिंग बनाई है और मुझे ये आउटलाइनिंग करनी है हर पेंटिंग की, तो वो किससे की जाती है? ये जो आउटलाइनिंग की जाती है हर पेंटिंग के अंदर वो रेड कलर से की जाती है। ब्लू कलर जनरली आपको इनकी पेंटिंग्स में नहीं देखने को मिलता, ठीक है? हाँ आकाश, बिल्कुल सही, मुकुट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इनके सर के ऊपर। तो ये अजंता केव्स की खास बातें थी जो कि हमने यहाँ पर नोट की, ठीक है ना? जैसे एक एक क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। पहली बात तो आप देखोगे कि इमोशंस जो है वो हैंड गेस्चर्स की हेल्प से यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेचुरल कलर्स हैं रजत, यहाँ पर नेचुरल कलर्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। आकाश, ब्लू मिलता नहीं होगा, नहीं है रीज़न इसके पीछे का। ब्लू कलर जो है उसके बारे में इतना नहीं पता था। आप देखोगे ब्लू कलर जब पर्शियंस भारत आते हैं ना, जब पर्शियंस आएंगे इंडिया में वापस से, मिडिवल टाइम्स में जब पर्शियंस वापस से भारत में एंट्री लेंगे, उस समय आप देखोगे कि वो अपने साथ ब्लू कलर लेकर आते हैं। उनकी पेंटिंग्स में ब्लू काफ़ी यूज़ होता था, इसी वजह से फिर बाद में चलकर ब्लू कलर यूज़ किया जाने लगेगा पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है? तो ये अजंता केव्स की कुछ पेंटिंग्स थी। इसमें एक और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसका नाम है, ये केव वन में ये पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है, हालांकि जो रूल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो पेंटिंग होती है ना उसके रूल्स होते हैं कि उसमें जो साइज़ वगैरह होना चाहिए ना वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये एक पेंटिंग का रूल होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, देखिए एक पेंटिंग दिखाती हूँ मैं आपको, ये रूल जो है वो क्या कहता है उसको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, इस पेंटिंग में, इस ड्रॉइंग के अंदर ये पेंटिंग
अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप यहाँ देखोगे कि जो साइज़ है सभी चीज़ों का वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है. करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको ये जो साइज़ है इन सभी चीज़ों को वो नहीं देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि देखिए, ये घर का जो गेट है वो इतना छोटा बना दिया, ये जो इंसान है वो इतना बड़ा बना दिया. तो कोई भी पेंटिंग जो है वो अपने आप को बेहतर कब एक्सप्रेस कर पाती है, जब हर एक चीज़ जो है उसका साइज़ जो है वो परफेक्ट प्रोपोर्शन में हो दूसरों के मुकाबले. लेकिन अगर मैं अजंता केव की ये जो पेंटिंग है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, ये वाली जो पेंटिंग है अजंता केव की, जो ये पेंटिंग है, आप देखो यहाँ पर भी तो उस प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं किया गया, राइट? इज इट क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यहाँ पर प्रोपोर्शन बिल्कुल करेक्ट यूज नहीं किया गया है. ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए गौतम बुद्ध जो है उनके साइज को कितना बड़ा दिखाया गया है, वहीं उनकी वाइफ जो है यशोधरा और उनके बेटे यहाँ पे राहुल जो है उनको साइज में कितना छोटा दिखाया गया है. हालांकि रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स तो कहते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन होना चाहिए हर चीज़ की, हाइट का, विड्थ का, वो करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर वो करेक्ट नहीं है. उसके बाद भी हम इस पेंटिंग को परफेक्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये पेंटिंग वाकई में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है. कैसे कर पा रही है? क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध का साइज इतना बड़ा क्यों दिखाया गया? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है वो बाकी सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, वो यहाँ पे वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं. इसी वजह से बाकी लोगों के साइज की अगर उनको हाइट को दर्शाया जाएगा तो वो पेंटिंग जो है जो भी एक्सप्रेस करना चाहती है उसको नहीं कर पाएगी. हालांकि रूल्स के हिसाब से वो गलत है, बट यहाँ पर ये पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है. सुपीरियरिटी आप कह सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अजंता केव्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, एक्सप्रेस कर पा रही है, यस. चलिए अब हम बात करते हैं बाघ केव्स की. बाघ केव्स जो है वहां पर भी कुछ पेंटिंग्स मिली हैं मध्य प्रदेश में. अगर मैं इन पेंटिंग्स की बात करूं तो इन पेंटिंग्स में आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? इन पेंटिंग्स में जनरली गॉड या गॉड लाइक फिगर्स जो है वो कम देखने को मिलते हैं. बाघ केव्स जो है वहां पर जो पेंटिंग्स है वो काफी अर्थली है, यानी मनुष्य जो है वो इसमें क्या है, सेम प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे. देखो एक चीज आप यहाँ नोट करो, अजंता केव्स में गौतम बुद्ध जो है उनको बाकी जनता से हाइट में काफी बड़ा दिखाया जाएगा, यानी कि उसमें आप देखोगे कि उसमें गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, इसी वजह से बाकी लोगों से वो काफी ऊपर उठ चुके हैं, वो दुख जैसी चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हैं, इसी वजह से वो चीज पेंटिंग से एक्सप्रेस की जा रही है. लेकिन अगर वही बुद्धिज्म के थीम के ऊपर बाघ केव्स में अगर आप पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें गौतम बुद्ध जो है उनको साइज में इतना बड़ा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि ये थोड़ी रियलिस्टिक है एज कंपेयर टू अजंता केव्स. तो बाघ केव्स की खास बात यही है कि बाघ केव्स में जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें आप देखोगे एक तो स्ट्रांग आउटलाइन होती है इनकी, स्ट्रॉन्ग आउटलाइन यहाँ पर आपको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलेगी. दूसरा, ये रियलिस्टिक है अपने आप में, ठीक है? तो ये यहाँ पर बाघ केव्स आ जाती हैं. नेक्स्ट है बादामी केव्स. बादामी केव्स क्यों खास है, बादामी केव्स कैसे अलग हैं? तो अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने देखा कि जो भी थीम था वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था या जैनिज्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन बादामी केव्स ऐसी केव्स हैं जहाँ पर ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स के अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि बादामी केव्स में आपको हिंदुज्म से जुड़े हुए पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी. आपको शिव, पार्वती, इनकी पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिल रही हैं. तो यहाँ पर हमने दो तीन केव्स के बारे में पढ़ा और हमने एक जनरल डिफरेंस को भी जानने की कोशिश की, जिसमें हमने अजंता केव्स को देखा, बाघ केव्स को देखा, बादामी केव्स को देखा, ठीक है? तो अब हम अगली केव्स के ऊपर चलते हैं. अच्छा ये बताओ आप, अब तक ये जो केव्स हमने डिस्कस की है इनमें पेंटिंग्स का टाइप क्या है, जल्दी से बताइए, पेंटिंग्स का क्या टाइप है, कौन सी टाइप की पेंटिंग्स है जो अभी हमने स्टार्ट की है, कौन सी टाइप की पेंटिंग्स है अभी?
यस बिल्कुल करेक्ट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मुराल पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो भी मुराल पेंटिंग्स के ही एग्जाम्पल हैं, अलग अलग केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वो मुराल पेंटिंग्स के ही एग्जाम्पल हैं जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं. एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट. चलिए अब चलते हैं मुराल पेंटिंग्स में, आगे बढ़ते हैं. एलोरा केव्स, हम अब एलोरा केव्स की बात करेंगे. एलोरा केव्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी, ये ऐसी केव्स हैं जिसमें आपको हिंदुज्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. एलोरा केव्स की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ जो इस पर्टिकुलर टाइम में हुई वो ये थी कि पेंटिंग्स तो बनाई जाने लगी ही, लेकिन पेंटिंग्स के चारों ओर बाउंड्री भी बनाने लग गए हम. पहले क्या होता था, पहले पेंटिंग्स जो हैं उनकी बाउंड्री नहीं बनाते थे हम, लेकिन अब आप देखोगे कि अब मुराल पेंटिंग्स जो बनाई जाएंगी उनकी बहुत ही चौड़ी बाउंड्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी. जैसे इस एग्जाम्पल में देखो आप, ये एलोरा केव्स की एक मुराल पेंटिंग है और इस पेंटिंग को इस तरह से बनाया गया और फिर उसके चारों ओर एक बहुत ही यहाँ पे हम कह सकते हैं चौड़ी बाउंड्री जो है वो खींच दी गई. देखिए बाउंड्री है ना, ये देखिए यहाँ पे आप बाउंड्री देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक और कुछ फीचर्स अगर एलोरा केव्स में हम देखें तो एलोरा केव्स में कुछ और फीचर्स भी हैं. जैसे कि आप देखोगे कि इसमें जो बेंट होता है, जैसे एल्बो का बेंट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें काफ़ी शार्प एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बेंट अगर दिखाए गए हैं, जैसे हाथ के अंदर बेंट है या फिर पैरों के अंदर इस तरह से बेंट दिखाया गया है, तो उसमें शार्प एंगल से, सॉफ्ट एंगल्स नहीं है, शार्प एंगल से यहाँ पे बेंड जो है वो इसमें दिखाए जाते हैं. एलोरा केव्स को ट्रांजिशनल पीरियड की पेंटिंग्स भी कहा जाता है क्योंकि वो एंशियंट से मिडिवल की ओर यहाँ पर इतिहास को ट्रांजिट करती है, तो ट्रांजिशनल पेंटिंग्स भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो ये एलोरा केव्स की कुछ पेंटिंग्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद आते हैं हम फ्रेस्को पेंटिंग. यस अमित, फ्रेम्ड पेंटिंग्स जो हैं वो एलोरा केव्स में यूज़ की जा रही हैं, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो अब आप हम बात करते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स की. फ्रेस्को पेंटिंग्स मुराल पेंटिंग से कैसे अलग हैं, यहाँ पर अगर मैं फ्रेस्को पेंटिंग की बात करूँ, मुराल पेंटिंग में क्या था, मुराल पेंटिंग में जो यहाँ पर बेस था, पेंटिंग करने से पहले जो बेस था वो तैयार नहीं किया जा रहा था. करेक्ट है ये चीज़, हमने कहा था ना कि कलर्स जो हैं वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं. नहीं नहीं हेमंत, अभी मैं वही डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि मुराल पेंटिंग और फ्रेस्को में क्या डिफरेंस है. मुराल पेंटिंग जो है वो भी यहाँ पर क्या है, वॉल पेंटिंग्स में आता है, और फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो भी वॉल पेंटिंग में ही आता है. बट मुराल पेंटिंग में हम पेंटिंग करने से पहले कोई बेस तैयार नहीं करते हैं, सीधा कलर्स को डायरेक्टली उस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. लेकिन अगर मैं फ्रेस्को पेंटिंग की बात करूँ तो फ्रेस्को पेंटिंग में जनरली नीचे का जो बेस होता है वो तैयार किया जाता है. ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर पेंटिंग जो है वो की जाती है. तो फ्रेस्को पेंटिंग में ये डिफरेंस होता है. साउथ इंडिया में कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेस्को पेंटिंग के, जैसे कि राजा राजेश्वर टेम्पल ऑफ तांजौर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी खास बात क्या है, हालांकि ये अजंता केव्स की पेंटिंग जैसी ही दिखती हैं, लेकिन इसमें एक अलग बात क्या है कि इसमें जो आईज हैं उनको आप अलग देखोगे. जैसे अब तक आपने आईज कैसी देखी थी, हाफ ड्रॉपिंग आईज आपने देखी थी, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं उसमें कैसे देख रहे हो, कंप्लीटली ओपन फुल आईज आप देख सकते हो राजा राजेश्वर टेम्पल में. ठीक है ना, जितने भी लर्नर्स इस तरह के कमेंट्स जो करते हैं,
शायद उनको इस तरीके से अगर सामने खड़ा कर दिया जाए इतने लोगों के आगे बोलने के लिए या फिर कुछ समझाने के लिए, तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप कभी ये समझते हैं कि ये सारा कंटेंट रेडी करने के लिए कितना समय लगता है? फ्री का नेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करें। और फिर आप लोगों के डाउट्स भी होते हैं। यहाँ पे वाइड ओपन आईज एंड इसके साथ साथ मूवमेंट, आपको फुल मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि अजंता केव्स की पेंटिंग्स जो है उनमें ठहराव था, उनमें एक तरह का ठहराव आपको देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग्स के जो एग्जांपल्स हम राजा राजेश्वर टेम्पल्स में देख रहे हैं या फिर बृहदेश्वर टेम्पल में देख रहे हैं, उनमें ओपन आइज, कंप्लीट ओपन आइज आपको देखने को मिलेंगी, जबकि अजंता केव्स में ड्रॉपिंग आइज थी, जिससे ये दिख रहा था कि शायद वो व्यक्ति जो है वो ध्यान निंद्रा में लीन है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फुल बॉडी मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरह की पेंटिंग्स में। मुराल पेंटिंग्स के कुछ और एग्जाम्पल हैं साउथ इंडिया में, जैसे कि लिपाक्षी पेंटिंग्स। लिपाक्षी पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में, यहाँ पर वीरभद्र टेम्पल में लिपाक्षी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और लिपाक्षी पेंटिंग के ऊपर तो इवन प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन भी आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। लिपाक्षी पेंटिंग्स जो हैं वो मुराल पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है, जिसमें थीम जो है वो यहाँ पर हिंदुज़म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखते हो, तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे कि मुराल पेंटिंग्स जो हैं वो मिडिवल टाइम्स जैसे जैसे जाता गया, मतलब मिडिवल टाइम्स जो है वो जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे वैसे आप देखोगे कि मुराल पेंटिंग्स जो है उनमें भी कमी आने लग गई, मुराल पेंटिंग्स जो है वो भी डिक्लाइन कर गई। तो नई तरह की पेंटिंग्स जो आगे सामने उभर कर आती हैं वो कौन सी हैं, वो आप यहाँ पर देखोगे, वो आप यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स देखते हो। आप जनरली मुराल पेंटिंग्स जो है वो एंशियंट टाइम में देखते हो, इवन आप देखोगे कि एंशियंट से मिडिवल टाइम में ट्रांजिशनल कुछ पेंटिंग्स हैं, तब भी मुराल पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। जब मुराल पेंटिंग्स का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ तो अलग अलग एरियाज में नई पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई जाने लग गई, जो मिनिएचर पेंटिंग होगी। अब मुराल पेंटिंग का सबसे बड़ा चीज़ क्या थी कि वो वॉल्स के ऊपर बनाई जाती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़े सरफेस के ऊपर बनाई जा रही है। बट वहीं अगर मैं मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करूँ तो मिनिएचर का मतलब ही क्या होता है, छोटा साइज, छोटे साइज पर हम बना रहे हैं। हम यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर इन पेंटिंग्स को बना रहे हैं। नहीं नहीं संदीप, ये कोई सबसेट नहीं है, जो लिपाक्षी पेंटिंग्स है ना वो कोई सबसेट नहीं है, लिपाक्षी पेंटिंग जो है वो मुराल पेंटिंग्स ही है, ओके, वो मुराल पेंटिंग्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब जो मिनिएचर पेंटिंग्स हम पढ़ने वाले हैं उनकी एक खास बात देखिए आप, उनकी एक खास बात क्या है। मिनिएचर पेंटिंग्स में क्या होता है, मान लो कि ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का पेज है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट का ये एक पेज है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट के पेपर के ऊपर, मैन्युस्क्रिप्ट का जो एक लीफ है वो है ये। अब इस लीफ के ऊपर क्या किया हमने, इस लीफ के ऊपर हमने कुछ भी यहाँ मंत्र लिखना स्टार्ट किया, हाँ इट इज अ फॉर्म ऑफ मुराल, एग्जैक्टली, हाँ आकाश बिल्कुल करेक्ट। मुराल पेंटिंग्स पोर्टेबल नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी दीवारों पर बना रहे हैं, ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मैन्युस्क्रिप्ट की एक पाम लीफ है और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं।
अब ये मंत्र हमने लिख दिए, तो इन मंत्रों को इल्यूस्ट्रेट करने वाली पेंटिंग्स आपको साइड में बनी हुई देखने को मिलेंगी। होता है ना, काफी सारी बुक्स होती हैं, काफी सारी बुक्स में आप क्या देखते हो, काफी सारी बुक्स में साइड में लिखा होता है और फिर उसी को यहाँ पर इलुस्ट्रेट करने के लिए साइड में कुछ ना कुछ पिक्चर दी गई होती है। जैसे आज हमने हमारे लेसन में भी देखा कि आप साइड में रिटर्न टेक्सचुअल पार्ट भी देख रहे थे और इसके साथ साथ इसी को इलुस्ट्रेट करने के लिए, एग्जाम्पल को इलुस्ट्रेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर साइड में पिक्चर्स लगाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को डिस्कस किया था। तो मिनिएचर पेंटिंग के कुछ एग्जांपल हम अब स्टार्ट करेंगे। पाल स्कूल ऑफ आर्ट, 11th और 12th सेंचुरी में पाल स्कूल ऑफ आर्ट मिनिएचर पेंटिंग का एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है। इसमें आप क्या देखते हो, पाल पीरियड कौन सा है, एक ऐसा समय जिसमें आप बुद्धिज्म जो है वो देखोगे, बुद्धिज्म जो है वो थीम है एंड उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जा रही है। ये देखो, हाँ बिल्कुल सही, कॉमिक बुक होती है ना उसके तरीके से। अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है और इसी लिखे हुए को इल्यूस्ट्रेट करना है अगर मुझे पेंटिंग की फॉर्म में, तो साइड में पेंटिंग भी बनाई गई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाल स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है उनके इल्यूस्ट्रेशंस के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ओके, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। एंड आप देखोगे ये काफी नेचुरलिस्टिक स्टाइल में बनाई जाती थी पाल स्कूल ऑफ आर्ट। पाल स्कूल ऑफ आर्ट हम कह सकते हैं ये ऐसी पेंटिंग्स हैं पाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो लास्ट फेज को दिखाती हैं। हम जानते हैं कि मिडिवल टाइम्स में जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन कर गया था, तो उसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पर, उसी लास्ट फेज को हम यहाँ पर इलुस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी नेहा, कौन सी पेंटिंग की आप बात कर रहे हो, दिवाली पर जो बाउंड्री वाली उभरी पेंटिंग बनती है, कौन सी पेंटिंग्स? साइज में वो स्मॉल ही है, मैंने यहाँ पर एनलार्ज करके आपको दिखा रखा है। ठीक है ना, साइज में वो छोटी होती है, मैन्युस्क्रिप्ट की जो पाम लीव्स होती है उसके ऊपर ये पेंटिंग्स बनती हैं। इसके बाद वेस्टर्न इंडियन स्कूल, ये भी एक तरह का स्कूल है जहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है ना, इसका जो थीम है वेस्टर्न इंडियन स्कूल टाइप की जो पेंटिंग्स है, इसका थीम जनरली जैनिज्म होता है। और ये अगर मैं देखूँ ये वेस्टर्न इंडियन स्कूल फेमस क्यों है, मिनिएचर पेंटिंग का जो ये एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल, ये अपने आप में फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को एग्जैग्रेट करके दिखाया जाता है, सारी चीज़ें आपको एग्जैग्रेट करके दिखाई जाएंगी जो फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युस्क्रिप्ट की एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग में यहाँ पर भगवान महावीर जो है उन्हें दर्शाया गया है, तो इसमें आप देखोगे काफ़ी चीज़ें एग्जैग्रेट करके दिखाई गई है। मान लो आईज है तो आईज काफ़ी एग्जैग्रेट करके दिखाई गई हैं, जो बॉडी यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेट्स हैं वो काफ़ी एग्जैग्रेट करके दिखाए जाते हैं। तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल की ये कुछ खास बातें होती हैं। वेस्टर्न इंडियन स्कूल मतलब इस तरह की पेंटिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी, गुजरात, राजस्थान, मालवा एरिया, और ये बनाई कब जा रही थी, चालुक्यास जो थे उनके टाइम में, चालुक्यास जैनिज्म को पैट्रनाइज करते थे, तो ये वेस्टर्न इंडियन स्कूल जो है, ये पेंटिंग्स जो हैं इनमें आप क्या देखोगे, इनमें आप जैनिज्म जो है उसी को एज अ थीम देखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आती है आइसोलेटेड स्टाइल। अभी आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि पर्शियंस जब आएंगे तब वो क्या लेकर आएंगे, पर्शियंस जब आएंगे तब वो अपने साथ ब्लू कलर लेकर आएंगे। निष्कर्ष एग्जैग्रेट कर मतलब कि बहुत ज्यादा उस चीज को उभार कर दिखाना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज कही थी ना कि यहाँ पे जब पर्शियंस भारत आएंगे तब तो वो अपने साथ ब्लू कलर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो आइसोलेटेड स्टाइल है ये किसका है, ये पर्शियंस का है। पर्शियंस जब भारत आए 1500 से 1500 से 1550 के बीच, इस पर्टिकुलर टाइम में जब वो भारत आए तो वो अपने साथ ब्लू कलर भी लेकर आते हैं। इनके जो पेंटिंग्स थी उसमें अल्ट्रा मराइन ब्लू कलर, गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था और वो यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इंडियंस ने भी इन कलर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं मुगल स्कूल की ओर।
मुगल स्कूल जो है उसकी कुछ खास बातें हैं। मुगल स्कूल में आप देखो, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, मुगल्स जो हैं उनके फाउंडर जो हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मुगल्स के फाउंडर कौन है? बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है। तो अगर मैं बाबर और हुमायूं की बात करूं, तो इनके द्वारा किसी तरह का कंट्रीब्यूशन आपको पेंटिंग्स की फील्ड में नहीं देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग कि ये वो थे जिन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना टाइम किस चीज़ में निकाला? उन्होंने अपना टाइम सिर्फ इस चीज़ में निकाला कि किसी तरह से हमारी सत्ता जो है उसको बेहतर तरीके से जमाया जा सके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हुमायूं के बाद, बाबर और हुमायूं ने तो यही चीज़ की है कि उन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ पे मुगल सल्तनत को कायम करने की कोशिश की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर वहीं पर हम अकबर की बात करें, तो अकबर ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे पेंटिंग्स में, और मुगल स्कूल की पेंटिंग्स जो हैं वो अपने आप में काफ़ी फेमस है। अगर मैं अकबर के बारे में बात करूं, तो अकबर जो है उनके टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये मुगल्स के टाइम में जो अकबर के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप राजस्थानी स्टाइल की पेंटिंग्स और साउथ इंडिया जो दक्कन एरिया की जो पेंटिंग्स हैं उन सभी का मिक्सचर जो है वो आपको यहाँ पर मुगल स्कूल की पेंटिंग्स में अकबर के टाइम में जो पेंटिंग्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए अकबर के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ सामने देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है, कुतुब मीनार दिखा रखा है। वैसे ही अगर आप इन ट्रीज़ की बात करोगे, तो ये ट्रीज़ कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ये दक्कन एरिया की पेंटिंग्स में जो ट्रीज़ होते थे वहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। तो इस तरह के बहुत से अकबर के टाइम में जो पेंटिंग्स हैं वो सभी चीज़ों का मिक्सचर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब एक तूतीनामा जो है वो यहाँ पर एक तरह की मेन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है ना ये। और इसी के साथ साथ हमजा नामा भी एक ऐसी ही तरह की मेन्यूस्क्रिप्ट है जो कि अकबर और मुगल्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देती है। ये जो मेन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इसमें इल्यूस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो पेंटिंग्स यूज़ की गई हैं वो इसी तरह की पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। अकबर के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जहांगीर की, तो जहांगीर जो है उनको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार था? जहांगीर को जानवरों से सबसे ज़्यादा प्यार था। इसी वजह से आप जहांगीर के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसमें जानवरों को देखोगे, बहुत सी बर्ड्स जो हैं उनकी पेंटिंग्स आप देखोगे, मैना बर्ड है या फिर दूसरी टाइप की जो बर्ड्स होती है उन सभी बर्ड्स की पेंटिंग्स आप देखोगे, जानवरों की पेंटिंग्स आप देखोगे। ठीक है, यस, बिल्कुल करेक्ट अमित। तूतीनामा जो है वो यहाँ पर टेल्स ऑफ अ पैरट इसके बारे में है वो। तो यहाँ जहांगीर के टाइम में जो है वो पेंटिंग का जो थीम था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? पेंटिंग का जो थीम है वो कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर आप देखोगे इनके टाइम में ज़्यादातर फोकस जो है वो फ्लोरा और फौना के ऊपर दिया जा रहा है ना। फ्लोरा और फौना मतलब कि जो भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, इसके साथ साथ प्लांट्स, ट्रीज, ये सब आपको जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, इवन यहाँ पर एक एनिमल फेबल है, एक बुक है जो जानवरों के बारे में है, उसमें इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर ये पेंटिंग्स जो बनाई गई वो जहांगीर के टाइम की ही है, और उस एनिमल फेबल का नाम है आयर आय दानिश। इसके बाद शाहजहां की बारी आती है, और शाहजहां के टाइम में क्या देखने को मिलेगा? शाहजहां के टाइम में पेंटिंग्स जो है उसमें एक स्टिलनेस आ जाती है। अब तक आपने क्या देखा ना, अब तक जितनी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी उसमें आप मूवमेंट देख रहे थे, इज इट करेक्ट? आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या आपने ये चीज़ नोट की कि जितनी पेंटिंग्स अब तक हमने देखी उसमें एक तरह का मूवमेंट था, राइट? कुछ ना कुछ मोशन आपको उसमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप ये दो पेंटिंग्स देख लो, इससे पिछली जो पेंटिंग है वो देख लो, तो इन पेंटिंग्स में क्या चीज़ है? इन पेंटिंग्स में आप देख पा रहे हैं कि किस कुछ एक तरह का मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर शाहजहां के टाइम की पेंटिंग्स की बात करूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम में पेंटिंग्स में एक स्टिलनेस आ जाती है।
पहले जो राजा होता है उसकी जो पेंटिंग है साइड से जो पोर्ट्रेट होती थी वो पोर्ट्रेट जो है वो पहले कभी नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन शाहजहां के टाइम में जो पेंटिंग है उसमें स्टिलनेस आ गई, उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा और साइड से राजा और रानियों की पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाने लग गई, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखोगे चारकोल का यूज़, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइवलीनेस जो पेंटिंग्स में हुआ करती थी वो पूरी यहाँ पर रिड्यूस हो गई और स्टिलनेस जो है वो यहाँ पर पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगी। तो शाहजहाँ वो हैं जिनके टाइम में साइड से पोर्ट्रेट्स जो हैं उनको बनाने का टाइम स्टार्ट होता है। यस, ओके। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर मैं औरंगज़ेब की बात करूँ तो औरंगज़ेब ने पेंटिंग्स जैसी चीज़ों में किसी तरह का योगदान नहीं दिया। इवन मुस्तफ़ा खान, अगर आपको ये चीज़ या लेसन जो है वो ठीक से नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई दूसरा लेसन देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक्सेस नहीं है ब्लॉक करने का, बस प्रॉब्लम वही है। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो औरंगज़ेब की बात थोड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है क्योंकि लेटर मुगल्स जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो इसी वजह से आगे की जितने भी आप लेटर मुगल्स देखते हो उनके टाइम में किसी तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। दक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अहमदनगर है, उसी तरह से बीजापुर, गोलकोंडा, ये हैदराबाद, इस तरह की एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको दक्कन स्कूल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आज का सेशन जो है वो हम इतना ही रखेंगे और कल का जो सेशन होगा उसमें हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा प्लीज़ समझने की कोशिश किया कीजिए। इनको ये स्लाइड्स बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट बाकी लर्नर्स को प्लीज डिस्टर्ब ना करें। ओके, सो आज का सेशन इतना ही एंड नेक्स्ट सेशन में हम इंडियन पेंटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। कल फिर से सेम टाइम पर 5 बजे क्लास होगी तो हम तब कंटिन्यू करेंगे इंडियन पेंटिंग्स।
आरुषि हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, काफी पेंटिंग्स के टाइप्स रह रहे हैं तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच सोनम. हम आज हमने थोड़ा सा कवर किया है ना इंडियन पेंटिंग्स को, कल हम और कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे पक्का ज़रूर. मुरल पेंटिंग्स आज भी ज़रूर बनती हैं, ठीक है. नेचुरल वेजिटेबल्स संदीप, नेचुरल मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं ना उनका जो कलर है, वेजिटेबल्स से भी हम कुछ कलर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीट रूट होता है, बीट रूट से रेड कलर निकल सकता है ना, तो उस तरीके से ऐसे बहुत से वेजिटेबल्स होते हैं जिनसे हम कलर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं. वो नेचुरल कलर्स हैं जिनका यूज मुराल पेंटिंग्स में होता था. कल 5 बजे होगी क्लास, ठीक है सईद. दक्कन प्रतिभा, दक्कन एरिया कौन सा होता है? जो सेंट्रल इंडिया है और जो साउथ है उसके बीच वाला पार्ट, जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, वो दक्कन एरिया में आता है, तो वहां की पेंटिंग्स हम डिस्कस करेंगे. पेंटिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है, तो उसको हमें जरूर कवर करना चाहिए. हेमंत, हम राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स को कल कवर करेंगे, तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पक्का ज़रूर कवर करेंगे, तो हम उसमें देखते हैं. आप में से ही लर्नर्स कह रहे हैं कि टीचिंग को कंटिन्यू रखा कीजिए, लेकिन फिर आप लोग ही इशू बनाते हैं कि ये लाइव चल रहा है उसके बाद भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं हम लोग. को है शिव, अंबर ऐप पर नहीं है फिलहाल, तो नहीं है. फारूक, पाल पेंटिंग्स की कंटेम्प्रेरी जो पेंटिंग्स रही हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे. ओके ओके, मैं 5 से 10 एमसीक्यू जरूर पूछूंगी नेक्स्ट सेशन से, ठीक है. प्रीतम, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू. सनी शर्मा, बुक जो है वो आप फाइन आर्ट की 11th क्लास की बुक कवर कर सकते हैं, इवन सीसीईआरटी की वेबसाइट पे बहुत अच्छा कंटेंट है, उसके नोट्स भी बना सकते हैं. हाँ अंबर, मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर होती हैं. अंशुल, बिल्कुल डिफरेंस है अनअकैडमी ऐप पर जो प्लस कोर्सेज होते हैं और यहाँ जो लाइव सेशंस हो रहे हैं. अगर आप अनअकैडमी प्लस पे कोर्स लोगे तो बहुत डिफरेंस है. बहुत सारी क्वेरीज तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रही हूँ जो कि जेन्युइन क्वेरीज हैं.
देखिए आर्चीवर अभी एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई भी सोर्स जो है वो इनफ नहीं होता है, तो हम सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पिलर्स ही कवर करने की कोशिश करते हैं. हेमंत हम कल कवर करेंगे, ठीक है? कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ और रीजनल पेंटिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. बिल्कुल. अंशुल, साइकोलॉजी ऑप्शनल. आप एक काम कर सकते हैं, आप अनअकैडमी ऐप पर प्लस टैब में जाके सारी कोर्सेज देख सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. नहीं हर्षल, आपको एक कैटेगरी ही सब्सक्राइब करनी पड़ती है और उसके बाद आप सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं. यस बैजंती अर्पना, मैं रोज़ क्लास ले रही हूँ 5 बजे, तो आप 5 बजे आर्ट एंड कल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है? इंडियन पेंटिंग्स राहुल, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है इसलिए हम कवर कर रहे हैं. शिवम, मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ. 5 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ था और मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, उसके बाद की जो क्वेरीज हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. अंशुल, वही चीज़ मैं कह रही हूँ. हेमंत, आपको भी मैं कह रही हूँ, आप अनअकैडमी प्लस टैब पर जाकर और वहाँ पर यूपीएससी सीएसई कैटेगरी में कोर्सेज चेक कीजिए कि ऑप्शनल कोर्सेज जो आप चाहते हैं वो हैं या नहीं. शिव, मेरा अकेले का कोर्स नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन है. आप एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करते हो वहाँ, आप उस पूरे एक कैटेगरी के लिए सब्सक्राइब करते हो जिसमें आप सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. सेल्फ स्टडी वाले लोग कैसे करेंगे? वो अलग अलग सोर्सेस से पढ़ सकते हैं. इम्तियाज, जैसे कि फाइन आर्ट की 11th क्लास की बुक बहुत अच्छी बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए. CCERT की वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी सोर्स है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो वहाँ से कवर कर सकते हो आप. पंडित सॉरी मल्हार, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. निष्कर्ष, हम एलोरा केव्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं आई थिंक. ओके चलिए हम सेशन को ऑफ करते हैं. एंड प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन कीजिए कमेंट सेक्शन में अपने आप को. जो भी आप लिखते हैं उससे पहले 2-3 बार प्लीज़ सोचा कीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टडी पढ़ने का प्लेटफॉर्म है. ऑब्वियसली अगर आपने कभी सब्सक्राइब किया है तो यही सोचकर सब्सक्राइब किया होगा कि यहाँ से मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी. तो अगर वो 1 घंटे का भी समय आपको कोई एडुकेटर दे रहा है लाइव आकर इस तरह के स्लाइड्स प्रिपेयर करके फिर आपको पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा उसकी और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं. ओके थैंक यू सो मच.